आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज भगवान शिव की पावन धरा सिवनी जिसे कहा जाता है वहां पहुंचे। बुधवार 4 अक्टूबर 2023 को वे पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए गए। किस तरह शंकराचार्य भगवान का कुछ का चयन होता है और पिछले शंकराचार्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के बाद उन्हें कैसे कुर्सी पर शंकराचार्य महाराज की गद्दी पर विराजमान कराया, बहुत खुलकर उनके द्वारा जवाब दिए गए। इसी बीच किसी मामले को लेकर वे बहुत उद्वेलित आक्रोशित हुए और उनके द्वारा एक समाचार पत्र को, स्थानीय समाचार पत्र सिवनी से प्रकाशित होता है, लगभग 40-45 साल पुराना, सर्वाधिक प्रसारित होने वाला अखबार दैनिक संवाद कुंज को उन्होंने बंद कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह अखबार बंद होगा। उस अखबार में कुछ टिप्पणी की गई थी, छपा कुछ बातें छापी गई थी और बहुत ज़्यादा उद्वेलित हुए। उन्होंने जिस तरीके की उद्वेलना उन्हें उनके अंदर देखी गई, जिस तरह से वे आक्रोशित थे, ऐसा क्रोध संत को शायद शोभा नहीं देता, वहाँ उपस्थित लोगों का ये कहना था। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के द्वारा क्या कहा गया, उसके बाद बाकी हम आपको। चुप होकर के बैठा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है बार बार, और आपके एक अखबार ने, वो कौन सा अखबार है? ये संवाद कुंज कहाँ है इसके प्रतिनिधि? ये संवाद कुंज अखबार है, इसमें अखबार में समाचार छपा है कि 5 लाख रुपया मुन्नन सेन ने हमको दिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस पत्रकार वार्ता में कि ये सूचना कहाँ से आपको प्राप्त हुई, 5 लाख रुपया वो कहाँ से ले गया और कहाँ दिया और किसने दिया और किसने देते हुए देखा? नहीं नहीं, हमें हम पूरी कहानी नहीं जानना चाहते। 5 लाख रुपया देते हुए आपके किस संवाद सूत्र ने देखा है वो हमको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात, आपने एक फिगर लिख करके लिख दिया और बाद में इन्वर्टेड कामा में तृप्ति शब्द लिखा है कि तृप्ति हो गई, और इन्वर्टेड कामा में व्यंग्य क्या है? व्यंग्य सीधा सीधा सा यही है कि आप कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने पैसा लेकर के चुप्पी साध ली। तो आप हमको इसको सिद्ध करके दिखाइए, नहीं तो आपका अखबार बंद होगा। ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप किसी के साथ। 5 लाख रुपया लेकर के, 5 लाख का एक फिगर बता रहे हैं और तृप्ति शब्द लिख रहे हैं, तो आप हमको बताइए, स्पष्ट करिए कि 5 लाख रुपया किसने दिया, किसको दिया, कहाँ दिया, कब दिया और किस शक्ल में दिया। खड़े होके बताइए, खड़े हो जाइए, खड़े होके बताइए हमको, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल आपके कार्यक्रम में जब मैं उपस्थित था जी, आपकी पूरी सभा सुनी, ठीक है, तो आज यहाँ के पूरे लोगों ने सवाल पूछा, ठीक है, कि ये जो सवाल पूछा कि भाई मुन्नन राय जी जो है, हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। 5 लाख रुपया किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया, कैसे दिया, वो 4 प्रश्न का जवाब बताओ और कुछ मत बताओ। हम हमें आप बताइए किसने आपको ये खबर दी है, उसका नाम सार्वजनिक करो। 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां पर दिया, किसको दिया और कब दिया, ये 4 प्रश्न हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा आपको। आप पत्रकार होकर के अखबार छाप करके ऐसे नहीं छाप सकते हैं किसी के खिलाफ। हम चिल्ला रहे हैं, अभी और चिल्लाएंगे, आपका अखबार चला देंगे, क्या बात करते हो आप ऐसा छाप दोगे किसी के लिए? 5 लाख रुपया लेकर के हम लोग चुप होने वाले हैं? 5 लाख हमारी औकात दिखा रहे हो आप कि कोई आके हमको 5 लाख दे देगा हम चुप हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे? बहुत गलती बात है, आपने बहुत अक्षम्य अपराध किया है, चिल्लाने की बात है और हम चिल्ला रहे हैं, आपने मर्यादाओं का हनन किया है, ये नहीं हो सकता है। आप गुस्सा करिए, हाँ करिए, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, इनसे जवाब चाहते हैं, ये इस अखबार के हैं, इनसे जवाब चाहते हैं। हमको भी प्रश्न पूछने का अधिकार है, अगर आप कुछ छापते हो। रुक जाइए, आप कोई पत्रकार बोलेगा
तो हम उसको उसके साथ समझेंगे। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब कि सारे पत्रकार हमारे ऊपर पांच लाख आरोप लगा रहे हैं, आप लोग लगा रहे हो, हम सबके खिलाफ नोटिस करेंगे। अभी अभी सबने कहा कि हम सब साथ हैं, ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि पांच लाख रुपया लेकर के आप तृप्त हो गए और हमने हमने अपना वक्तव्य बदल दिया। आप लोग इस तरह से मजाक बनाओगे किसी शंकराचार्य का? ये शिवनी है, भाई गलत है, आप सिद्ध करो, आपने छापा है, आपका दायित्व बनता है कि आप इसको सिद्ध करिए कि पांच लाख रुपया किसने दिया, किसको दिया, कहां दिया, कब दिया। आप ये चार प्रश्नों का जवाब दीजिए, चार प्रश्नों का जवाब ये जो अखबार है संवाद कुंज, इसको देना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये चूंकि पत्रकार की बात है, भाई पत्रकार बिरादरी है, तो आप सब साथ में हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जाइए, सब लोग जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत छापो, गलत छापोगे तो आपको भी हम सवाल के घेरे में खड़ा करेंगे। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, ये सब उठा लो, हमको कोई आपसे फेवर नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे लिए गलत लिख दो और आप उसमें सवाल भी ना उठाए, जवाब भी ना करें, ये नहीं हो सकता। मैं आप लोग से निवेदन करता हूं, आप राजनीति में, अरे ठीक है, नाराज हो जाओगे ना, लेकिन महाराज जो सच है वो सच है, आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें, और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए। आप जो है पत्रकार हैं, आपका हमने सम्मान किया, पहला शब्द हमारा था आपका स्वागत है, आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने इत्मीनान से उसका जवाब दिया, हमने बुरा नहीं माना, लेकिन और बिना जाने हमको पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं, तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए, बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली, क्या बात करते हो आप, केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें, आपने छापा कैसे, इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है, ऐसी कैसी बिरादरी होती है, और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर, करो जितना विरोध करना हो हमारा, पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे, पांच लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप, और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो, कहां से पता चला कि पांच लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया, बताओ ना, ये बहुत गलत बात है भैया। पत्रकार बंधु, आपका आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप सच छापे, आप आईना हो, आप पक्ष नहीं हो, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते, आप आईने की तरह जो है उसी को दिखाओ, तब तो आप पत्रकार हो, और अगर आप पक्ष विपक्ष लेते हो तो आप पत्रकार नहीं हो, आप कुछ और हो। इसलिए पत्रकार होने का पहले संकल्प करना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूं, मैं आईने की तरह रहूंगा, जो सच होगा वो दिखा दूंगा, उसका उसमें भी विचार करूंगा कि समाज में कोई विक्षोभ ना उत्पन्न हो जाए, उतना विचार करते हुए मैं सच को दिखाऊंगा, ये आपका कर्तव्य है, तो आपको अपने कर्तव्य पर रहना होगा, तभी आपकी आपका सम्मान कोई भी कर सकेगा, हम भी कर सकेंगे, और अगर इस तरह की लाइन और आने वाले, तो सुना आपने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज किस तरह आक्रोशित क्रोधित थे, वे किस बात पर क्रोधित हुए, ये पूरा हम आपको वाक्या बताते हैं पत्रकार वार्ता शुरुआत से अंत तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में, एक्सक्लूसिवली समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में आपको ये पूरी पत्रकार वार्ता हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप सुनेंगे और जो भी बातें आई कहाँ किस तरह से किन बातों को लेकर प्रश्न पूछे गए, क्या शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के जवाब थे और किस तरह से उन्होंने चीज़ों को रखा, ये हम शुरुआत से आपको बताने जा रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में। ये एक एक्सक्लूसिव हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बहुत 4 अक्टूबर 2023 बुधवार का दिन सुबह लगभग अपराह्न 12:30 बजे का समय पत्रकार वार्ता आरंभ होने जा रही है, आइए अब हम आपको पत्रकार वार्ता में लेकर चलते हैं। स्वागत है,
हम स्तिवनी आए क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो हमारे गुरु जी महाराज थे, उनकी यह जन्मभूमि है। उनकी जन्मभूमि के दिघोरी के दर्शन करने तो हम पहले ही आ गए थे, लेकिन शिवनी के लोगों का कहना था आप शिवनी नहीं आए, तो हमने शिवनी का यह कार्यक्रम बनाया और यहाँ के मठ मंदिर में जा करके वहाँ भगवान का दर्शन किया। कल सायंकाल थोड़ी देर के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से संवाद भी हमारा हुआ और हमको अच्छा लगा। यहाँ पर हमने बुजुर्गों से सुना था कि एक संस्कृत पाठशाला थी, आजकल वो नहीं चल रही है, तो हमने ये इच्छा व्यक्त की है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग मिले तो उस पाठशाला को फिर से आरंभ किया जाए, क्योंकि यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं विद्वानों की, उसकी पूर्ति अगर यहीं से हो तो अच्छा होगा। यहाँ के बच्चों को बहुत दूर जा करके अध्ययन करना पड़ता है तो माता पिता उनको भेजने में संकोच करते हैं, और इसलिए पास में अगर पाठशाला हो जाएगी तो यहाँ पर भी अध्ययन होगा। इसके अतिरिक्त हमारे पीठ पंडित जी हैं, उनका कहना था कि यहाँ पर महाराज श्री की कीर्ति का एक स्तंभ होना चाहिए। हमको बड़ी प्रसन्नता है, कल हमको सभा में बताया गया कि यहाँ की नगर पालिका ने वह प्रस्ताव पारित कर दिया है, नक्शा भी बन गया है और आने वाले 2-3 महीनों में उसका कार्य आरंभ होने वाला है। तो ये तो हमारी बात थी। हमने पूछा था यहाँ के हमारे जो सहयोगी हैं कि कोई मुद्दा हो जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, तो उन्होंने कहा यही मुद्दा है कि एक बार पत्रकारों से आपका मिलना हो जाए। तो मूल तो बात यही है, आप सबसे मिल करके अच्छा लग रहा है। महाराज जी, एक सवाल का जनमानस है जी, उसका मैं लोगों की तरफ से पूछना चाह रहा हूँ जी। नाम तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम लोगों से जो लोग पूछते हैं उनके अंदर खुद में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपनी बातें रख पाए, तो हम एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पेश करते हैं। हम समझते हैं। तो एक सवाल ये आ रहा था कि आप जैसे जो उच्च कोटि के साधु संन्यासी होते हैं, मतलब जिनको देख के पूरा समाज चलता है, तो आप लोग की हर विधि जो होती है शास्त्रोक्त होती है, मतलब जो चीज शास्त्र में है कहीं ना कहीं वो आपकी चर्या में झलकता है। तो अपने जो जगत गुरु हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको शिवनी की जनता बहुत मानती है, उनका जब महाप्रयाण हुआ, जब मतलब वो नहीं रहे, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो उसके बाद उसी उनके जो पार्थिव देह थी उसके सामने जो है घोषणा हुई, तो ऐसी कौन सी शास्त्रोक्त विधि है जहाँ किसी के पार्थिव देह को सामने रखकर उसका जो अधिकार रहता है उसकी मतलब घोषणा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ भी रहता है तो गृहस्थी 13 दिन इंतजार करती है। तो मतलब एक प्रश्न ये आया था उस समय, क्योंकि 1 साल पुराना था और कभी ऐसा अवसर नहीं आ पाया, और सामान्यता बहुत कम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आ पाता हूँ, तो इसके पूर्व में भी जब आपने उल्लेख किया कि रजनीश सिंह जी के यहाँ कुछ पत्रकार होते थे, सूचना मुझे भी थी पर मैं आ नहीं पाया, और आज सुबह भी जब मनोज भैया ने मुझे फोन किया था तो मैंने कह दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, पर फिर लोगों ने कहा भैया ये भी एक चीज़ है, हमको वो शास्त्र का उल्लेख चाहिए कि जो पूज्य महाराज जी ने अपना इच्छा पत्र दिया था वो अगर 15 दिन बाद या 2 महीने बाद भी खुलता तो वो तो बदल नहीं जाता, वो तो वही रहता जो हमारे पूज्य महाराज जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी पत्र में। तो वो कौन सी शास्त्रोक्त विधि थी जिसमें अपन एक पार्थिव देह के समक्ष ऐसा करते हैं, लोग चाह रहे थे कि उसका वर्णन जो है समझाते हुए। अपने पास पूरा समय है ना जी, कोई हड़बड़ी तो किसी को नहीं है? नहीं, किसी को नहीं। ठीक है, तो ये उस बात की चर्चा कर रहे हैं। आपको ये जो अंदेशा है ना कि हमको बुरा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल मत मानिए। आपका सवाल है, जनता की ओर से है, आप उसको पूछ रहे हैं और हम आपके माध्यम से उसका जवाब दे करके लोगों के समाधान
के लिए प्रस्तुत है, इतनी सी बात है। तो आप ऐसा मत मानिए कि इससे हमको कुछ अटपटा लगेगा। सवाल तो सवाल होता है, किसी के मन में जब आ जाता है तो उसको मथने लगता है, इसलिए उसका जवाब हो जाना चाहिए, स्पष्टता हो जानी चाहिए। तो आपने अच्छा प्रश्न पूछा है और निसंकोच होकर के पूछा है, तो हमको अच्छा लगा, कोई हमको इसमें खराबी नहीं। ये पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर उनके देह के समक्ष, पार्थिव देह जिसको कहते हैं, उसके समक्ष ही जो उनके दोनों उत्तराधिकारियों की घोषणा हुई, उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है कि कुछ रुका जा सकता था, रुक करके करना चाहिए था, ऐसा आम लोगों का मानना है, क्यों नहीं रुके, उसी समय क्यों कर दिया, ये यही प्रश्न है ना। हमने ठीक समझा है आपके प्रश्न को, और कह रहे हैं कि उसमें शास्त्र क्या है, विशेष करके शास्त्र पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो आचार्यों का आचरण है वही लोगों के लिए उदाहरण बनता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सहयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये भगवत वाणी है और इसमें कहा गया है कि श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण करते हैं उसी का अनुकरण सामान्य लोग करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ लोगों का जो आचरण है वो शास्त्रोक्त होना चाहिए, विचारित सुविचारित होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, उचित है। अब आप कहते हैं कि शास्त्र क्या है, और शास्त्र के साथ साथ हम आपने पूछा नहीं, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि शास्त्र के साथ साथ परंपरा भी देखी जाती है। कहीं कहीं शास्त्र होता है, कहीं कहीं परंपरा होती है, और कहीं कहीं दोनों होते हैं, तभी किसी कार्य को किया जाता है। जहाँ सीधे सीधे शास्त्र होता है वहां पर तो शास्त्र का आलंबन ले लिया जाता है, शास्त्र वाक्य का आधार लेकर के कार्य किया जाता है। जहां सीधे सीधे शास्त्र वाक्य नहीं होता है वहां पर परंपराओं को देखा जाता है। तो यहां पर क्या था, परंपरा निभाई गई कि शास्त्र निभाया गया कि दोनों निभाए गए, यही प्रश्न। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आदि शंकराचार्य ने ये चार मठ बनाए थे और उन्होंने इन पर अपने चार शिष्यों को अभिषिक्त किया, और अभिषिक्त करके उन्होंने एक मठामनाय महानुशासन नाम से संविधान पीठों का बना दिया। वो यहाँ पर तो हमारे पास नहीं होगा, अगर आप कहेंगे तो आजकल व्हाट्सएप से तुरंत आ जाता है, तो हम वो मंगा करके आपको उपलब्ध भी करा देंगे। तो ये जो मठामनाय महानुशासन है, ये बुक ऑफ कमांड इसको अंग्रेजी में कहते हैं, माने इसी के आधार पर शंकराचार्य पीठों का संचालन होता है। इसमें भगवान शंकराचार्य जी ने सब कुछ कह दिया है जो कहा जाना चाहिए। जब भी कोई संस्था का निर्माण जैसे करता है तो उसके लिए आजकल बायलाज नियमावली बनाता है, तो उसी तरह से ये बायलाज है शंकराचार्य पीठों, और ये मैंडेटरी है, माने आवश्यक है। तो उस में ये कहा गया है, एक एवाभिषेच्य दंते लक्षण सम्मतः, ये वाक्य है जो हम अभी याद होने के कारण आपको सुना रहे। इसका मतलब है कि एकस्य आचार्यस्य अंते एक एव लक्षण सम्मतः अभिषेच्यः। जब एक आचार्य का अंत हो जाए, अंत से यहाँ पर शरीर के अंत का तात्पर्य है व्यवहार की दृष्टि से, तब लक्षण सम्मत, जिसमें जो लक्षण ऊपर हमने बताए हैं, उन्होंने लक्षण भी बताए, शुचि ही जितेंद्रियः वेद वेदांगादि विशारदः योगज्ञ सर्वशास्त्राणां समदास्थानम आप्नुयात्। पवित्र हो, जितेंद्रिय हो, वेद वेदांग का पारंगत हो, और सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखने वाला हो, और दंडी सन्यासी हो, ऐसा जो आचार्य है उसका अभिषेक एक का किया जाना चाहिए। माने एक आचार्य का जब अंत होगा तो उसके स्थान पर उस पीठ को संभालने के लिए एक और आचार्य जो लक्षण सम्मत हो उसका अभिषेक किया जाना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, एक एव अभिषेच्यस्याद अंते, अंते माने जब शरीर पूरा हो जाए तब। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि शरीर पूजा हो जाए उसके बाद प्रतीक्षा करनी चाहिए,
है ना, यही आपका कहना है। अंत में तो होना ही था, इतना तो आप भी मान रहे हैं कि एक आचार्य का अंत हो जाएगा तो दूसरे आचार्य को आना होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए थी, तो ये प्रतीक्षा के बारे में कौन सा शास्त्र है कि कितनी देर तक प्रतीक्षा की जाए? आप कह रहे हैं कि गृहस्थों के यहाँ 13 दिन तक बर्ताव किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि गृहस्थ जब शरीर छोड़ता है तो उसकी प्रेत संज्ञा होती है और सूतक लग जाता है, सूतक में शुभ कार्य नहीं हो सकते हैं। इसीलिए गृहस्थ के घर में अगर ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो सूतक के कारण उसके यहाँ ऐसे शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। लेकिन सन्यासी का शरीर जब छूटता है तो सूतक नहीं लगता है, पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरे, जो गृहस्थ होता है जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसका शरीर अमंगल हो जाता है, उनको संस्कार करने के लिए छूना पड़ता है, तो वो जो मृत शरीर को छू लेते हैं उनकी स्नान से शुद्धि होती है। जब हम किसी मृतक के शरीर माने अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं तो अगर हमने छुआ ना भी हो उस शरीर को, तब भी पीछे पीछे अगर उस मृत शरीर के चल पड़े हैं थोड़ी दूर तक, तो जब घर के लौट के आएंगे तो हमारी माता पहले से ही घड़ा में पानी लेके दरवाजे पे खड़ी होगी, दरवाजे के बाहर ही हमारे ऊपर पानी डाल देगी कि नहा करके ही घुस सकते हो, बिना नहाए घुस नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि शव का अनुगमन करने से, शव का स्पर्श करने से हमको अशुद्धि आती है और अशुद्धि के कारण हम स्नान करके तब शुद्ध होते हैं। जो लोग नदी में जाते हैं वहीं नदी में नहा करके आ जाते हैं, तो उनको फिर घर में नहलाया नहीं जाता है, अन्यथा स्नान तो करना ही पड़ता है, तब शुद्धि होती है। उसके पहले जो रिश्तेदार नहीं है अनुगमन कर लिया उसको भी अशुद्धि हो जाती है। अब सन्यासी के यहाँ, सन्यासी के यहाँ ये नहीं होता, सन्यासी के यहाँ ना तो सूतक लगता है और ना तो जो शरीर है जिसको छोड़ चुका है मृत शरीर, उस मृत शरीर को छूने से भी कोई अशुद्धि नहीं आती है, यह सन्यासियों का नियम है। और सन्यासी के शरीर के पीछे अगर कोई चल देता है तो जैसे गृहस्थ के शरीर के पीछे चलने से अशुद्धि आती है, ऐसे सन्यासी के शरीर के पीछे चलने से अशुद्धि नहीं आती है, इसलिए नहाने की जरूरत नहीं है। अगर सन्यासी के अंतिम संस्कार में आप सम्मिलित हुए हैं तो आपको स्नान की आवश्यकता नहीं, और शास्त्र में लिखा है, वचन हमको याद नहीं है, आप कहेंगे हम बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे, ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो वहां लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सन्यासी की समाधि में सम्मिलित हुआ है और उसके मन में ये आ गया कि हम अशुद्ध हो गए और वो नहाता है तो उसको दोष लगेगा, माने उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं अशुद्ध हो गया और सन्यासी के पीछे पीछे उसके शव के पीछे पीछे चलेगा, उनकी समाधि में उनको जाके परिक्रमा करके प्रणाम करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो सन्यासी का मामला अलग होता है, वहां सूतक पातक नहीं लग रहा है, एक बात। इसी तरह से जैसे ये सन्यासी का मामला हमने बताया, ऐसे ही जो राजा होता है, राजा भी सूतक से इतर होता है। ये जो अभिषेक किया जाता है ना, आसन पर बैठा करके तीर्थों के जल से मंत्र पढ़ करके अभिषेक किया जाता है, तो हमारे यहाँ ये अभिषेक आचार्य का होता था। आ जाइए, रास्ता बना के ले आ दो धीरे से, उधर उधर से अगर रास्ता हो तो ऐसे घुमा के मिला सकते। जो मूर्धा अभिषेक होता है उस अभिषेक का परिणाम क्या है, वो अभिषेक क्यों होता है? वो अभिषेक इसीलिए होता है कि आज से इनको हम समस्त बंधनों से मुक्त करते हैं, अब इनको कोई सूतक नहीं लगेगा। तो राजा को भी सूतक नहीं लगता है, राजा के पिता भी गुजर जाए तो राजा को सूतक नहीं, राजा की माता भी गुजर जाए तो राजा होने के कारण, क्योंकि उसका अभिषेक हो चुका है, तो राजा जो है वो सूतक से दूर होता है, इसलिए उसको भी सूतक नहीं लगता है। इसीलिए जब राजा का शरीर छूट जाता है तो हमारे शास्त्र के अनुसार आसन दो, हमने कहा था दो आसन रखो जी। तो राजा का जब शरीर जब छूट जाता है तो राजा को भी सूतक नहीं लगता है, उसके परिजनों को, और जो आचार्य है वो भी सिंहासन पर बैठता है, वो धार्मिक राजा है, राजा से भी बड़ा महाराजा है वो, तो उसको भी सूतक नहीं लगता। अब सवाल ये है कि राजा जो है और आचार्य, इनकी गद्दी होती है और इनके बारे में शास्त्र का नियम है कि एक
क्षण भी ये गद्दी खाली नहीं रहती। उसका वचन है, ब्रह्मचारी जी बोल रहे हैं, मठामनाय महानुशासन का ही वचन है, उसमें स्पष्ट कहा गया है, न जातु मठम छिंद्याद अधिकारिण्य उपस्थिते विघ्ना नाम बाहुल्या देश धर्म सनातना। रिकॉर्ड हो गया है ये वाक्य, आप कहेंगे तो हम किताब देंगे। तो लिखा है कि न जातु मठम उच्छिद्याद, मठ को खाली न रखे, मठ माने मठ की गद्दी को, विघ्ना नाप विबाहुल्याद, अगर कोई अधिकारी नहीं है तो बात अलग है, तब केयर टेकर बनाना पड़ेगा, और अगर अधिकारी है तो उसका अभिषेक कर देना पड़ेगा। विघ्ना नाम विबाहुल्याद, अगर बहुत से विघ्न हो तब भी, माने इस पर जोर दिया गया है कि अगर बहुत सारे विघ्न भी हो तब भी अभिषेक तो कर ही देना। क्यों? क्योंकि राजा और आचार्य की गद्दी एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहती है, ये अविच्छिन्न परंपरा है। तो अविच्छिन्न परंपरा का पालन करने के लिए कहीं पर अगर हमारा मूर्धाभिषिक्त राजा शरीर छोड़ता है तो उसका संस्कार नया राजा ही करता है, ये नियम है। आप लोग चूंकि अब राजतंत्र से दूर हो गए हैं इसलिए आपको पता ही नहीं है कि राजा के मरने पर क्या होता है। अगर पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे तो अपने जितने राजा हैं, आप सबकी वंशावली निकाल के देख लीजिए, अगर तारीख वाली कोई वंशावली मिलेगी तो जिस दिन पुराना राजा मरा हुआ होगा उसी दिन से उसको कंटिन्यू किया गया होगा, उसी दिन उसका अभिषेक होता है, नियम है। जो अंतिम राजा थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, आप उनका इतिहास इंटरनेट में निकाल करके देख लीजिए, जिस दिन उनके पिताजी गुजर गए थे उसी दिन उनका अभिषेक हुआ। और अभी अगर आपको जानना हो तो आप इंदिरा गांधी का 84 का दृश्य याद कर लीजिए, जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया तो उसी रात को 11 बजे उनका शरीर, शाम को डिक्लेरेशन हुआ सूर्यास्त के समय लगभग, और दोपहर में उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, शाम तक बताया नहीं गया, और रात को 11 बजे नए प्रधानमंत्री की शपथ जब राजीव गांधी को दिला दी गई, उसके बाद उनका संस्कार हुआ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहते हुए मरी थी। तो गद्दी खाली नहीं रह सकती है एक क्षण के लिए भी। तो जब पुराना राजा जाता है, मुसलमानों के यहाँ मुस्लिम देश जो है उनका इतिहास आप निकाल कर देख लीजिए, वहां भी किंगडम है, और वहां पर भी जब नया राजा अभिषिक्त हो जाएगा तब पुराने के मरने की घोषणा होती है कि पुराना राजा शरीर छोड़ चुका है, अब नए राजा ये होंगे, और उसकी देख रेख, क्योंकि जो संस्कार होना है राजा का उसका नेतृत्व कौन करेगा? ये बड़ा प्रश्न है कि संस्कार के लिए पत्र भेजना पड़ेगा, संस्कार के लिए खजाने से पैसा निकालना पड़ेगा, संस्कार के लिए रिचुअल्स करने पड़ेंगे, कहीं कोई अगर प्रतिपत्ति आ गई, किसी ने प्रश्न उठा दिया तो उसका निर्णय करना पड़ेगा, वो कौन करेगा? तो इन सब कारणों से नए राजा को तत्काल स्थापित किया जाता है, यही हमारी परंपरा रही है। और आप देखिए हमारे जो गुरुजी थे, उनके जो गुरुजी थे, इसी पीठ की बात आपको बता रहे हैं, ज्योतिष पीठ की बात, उनका शरीर 1952 में पूरा हो गया, 20 मई सन 1952 अंग्रेजी तारीख थी, कलकत्ता में पूरा हो गया, और उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी पहले से सुनिश्चित किया नहीं था, किसी को पता नहीं था कि क्या है, ऐसी परिस्थिति हो गई, तब उनका शरीर कलकत्ता से वाराणसी लाया गया कि वाराणसी में उनको जल समाधि दी जाएगी, लेकिन उनकी जल समाधि के पहले एक अंतरिम समिति बनाई गई, केयर टेकर शंकराचार्य बनाया गया, और वो हमारे गुरुजी बने अंतरिम समिति के अध्यक्ष के रूप में। जब उनकी नियुक्ति हो गई तब जाकर के उनकी जल समाधि दी गई हमारे गुरुजी के गुरुजी की, ये इतिहास है, वो अंतरिम समिति का रजिस्टर हम लोगों के उसमें रखा हुआ है। तब एक एक निर्णय हुआ, जब वो नया केयर टेकर ही सही, नया शंकराचार्य बन गया, तब उसने निर्देश दिए कि ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, तब उसका लोगों ने माना और तदनुसार कार्य हुआ। तो ये अपने यहाँ की शास्त्र मर्यादा भी है, परंपरा भी है, और सुस्थापित परंपरा है। ये वही लोग प्रश्न उठा सकते हैं जिनको राज परंपरा का, आचार्य परंपरा का तनिक भी ज्ञान नहीं, और जो समझते हैं कि ये जैसे हमारे गृहस्थों के घर में मृत्यु होती है तो हमारे शोक हो जाता है, हमारे सूतक लग जाता है, वैसा ही वहां हुआ होगा,
तो ऐसा सोचने के कारण ही इस तरह का प्रश्न लोगों के मन में उठता है। और अगर आप इस पे और जानना चाहेंगे तो हम 25 प्रमाण 25 राजाओं के ला करके आपको उपलब्ध करा देंगे, और आचार्यों के भी हुआ था, उसी दिन वो आचार्य हो गए और आचार्य होकर के ही उन्होंने समाधि करवाई। ये सर्वत्र हमारी आचार्य परंपरा का सर्वत्र का यही नियम है। जहां पर कोई उपलब्ध नहीं होता है, जैसे ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के बारे में हमने बताया कि उनका कोई उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं था, तो अंतरिम समिति बना करके उसका अध्यक्ष महाराज जी को बनाया गया, फिर उनके निर्देश में हुआ। बाद में लोगों ने बताया कि एक वसीयत उन्होंने की हुई है, फिर उसको बुलवाया गया, बुलवा करके खोला गया, तो चूंकि वसीयत किसी के संज्ञान में नहीं थी, बाद में वो संज्ञान में आई 5वें 6वें दिन, तब जा करके उस पर क्रियात्मयत किया गया, एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, फिर वो रजिस्ट्रार के यहाँ गया, वो सील बंद लिफाफे में रजिस्ट्रार के यहाँ रखी हुई थी गोपनीय रूप से, फिर उसको लाया गया, जो लाने वाला था वो खोल नहीं सकता था, फिर सभा बुलाई गई, सभा सब लोग इकट्ठे आ नहीं सकते हैं तो सबको सूचना दी गई, सूचना देने पर सब लोग इकट्ठा हुए अमुक तारीख को अमुक समय पर, तब जा करके सबके बीच में वसीयत खुली गई, तो इसलिए वहां पर विलम्ब लगा, अन्यथा विलम्ब नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना, तो आपको समाधान है ये है बात। आज चारों ओर सनातन धर्म पर हमला हुआ। रुको भैया, पहले इस बात पे हो जाता, तो ये जो कुछ हुआ है, ये जो अभिषेक हुआ है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर उनके शरीर के सामने, एक तो ये शास्त्र के अनुसार है पूरी तरह से, दूसरे ये परंपरा के अनुसार है, और तीसरे ये ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज की इच्छा के अनुसार, यहाँ पर उनके इच्छा पत्र उन्होंने जिनके पास रखा था, अपने निजी सचिव ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी के पास, वो स्वयं भी आए हुए हैं, उनको यहाँ आना चाहिए था, नहीं आए हैं, अंदर हैं, तो उन्होंने उनको गुरुजी ने आदेश किया था कि मेरा शरीर पूरा होने पर मेरे शरीर के सामने ही अभिषेक तुम कर देना और ये सार्वजनिक कर देना, तो जैसा उनका आदेश था उसके आधार पर उन्होंने किया, तो शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार और ब्रह्मीभूत शंकराचार्य जी महाराज की इच्छा और आदेश के अनुसार ये कार्य हुआ है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की शंका किसी को नहीं करनी चाहिए, और अगर आवश्यकता होगी तो बहुत सारे प्रमाण इसके बारे में उपलब्ध कराए। देखिए, धर्म में राजनीति हो सकती है, राजनीति में धर्म हो सकता है, हमारे अंदर आप हो, आपके अंदर हम है, लेकिन व्यवहार में नहीं है, व्यवहार तो अलग अलग आपका चलेगा, हमारा चलेगा, तो उसी तरह से धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है, दोनों को आप मिला करके अगर चलेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, और आप परिणाम निकल करके आ रहे हैं। आपने कहा था कि शंकराचार्य जी कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे, समर्थन कभी नहीं किया, सही है, उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया, और राम सेतु के बारे में भी आपने कहा था, परंतु आरोप जो लगते आए, जैसे कि राम भद्राचार्य जी आए थे कि शंकराचार्य जी कांग्रेसी थे, उन्होंने बोला यहाँ ब्राह्मण समाज में भी, तो आप जब उन्हें कांग्रेसी नहीं कह रहे, वो कह रहे, तो इसका क्या क्या अर्थ माने? देखिए, हमारे यहाँ एक पहेली है, पहली होती है ना सब जगह, तो संस्कृत भाषा वालों की पहली एक है, वो हम आपको सुनाते हैं। उसमें लिखा है कि विद्वान कीदृक वचो ब्रूते को रोगी कश्चन अस्ति कः, कीदृक चंद्रम न पश्यन्ति तत् सूत्रम पाणिनेर्वद। माने विद्वान कैसी वाणी बोलता है, एक प्रश्न, और दूसरे भी प्रश्न है, यहाँ इसी का प्रसंग है इसलिए बताते हैं। तो उसका उत्तर बताया गया है अर्थवत्, माने अर्थवान बात बोलनी चाहिए, सार्थक बात बोलनी चाहिए, जो सार्थक बात बोलता है, विचार करके बोलता है, उसी का नाम विद्वान होता है। कुछ भी जो बोल दे, कुछ भी बोल दे का मतलब यह है कि खुद ही बोले और 2 दिन के बाद खुद ही उसमें सुधार करना पड़े, तो अगर हम बोलें कुछ और 2 दिन के बाद हमको लीपा पोती करके उसका सुधार करना पड़े, इसका मतलब कि हमने बोलते समय प्रमाद किया, विचार करके हमने नहीं बोला। तो जो राम भद्राचार्य जी महाराज के बारे में आप बात कह रहे हैं, उन्होंने जो बात कही 2 दिन के बाद उसका समाधान कर, उन्होंने परिवर्तन कर दिया कि नहीं अपनी बात, तो इसका मतलब है कि उन्होंने विचार करके नहीं बोला था। अगर विचार करके बोले होते तो अपनी बात पे खम ठोक करके खड़े रहते कि नहीं, मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, मैं उसके लिए प्रमाण दूंगा, लेकिन जब लोगों ने आपत्ति की तो ये नहीं कह पाए वो, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लीपापोती की, कुछ कुछ अच्छी बातें, इधर उधर की बातें कह करके उसको समाप्त किया। ये तो आप इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो विद्वान वो व्यक्ति होता है जो बात उसके मुंह से मिले निकले
पहले से उसको कसौटी पे कस ले ताकि वो कभी कटे ना, और जिसकी बात नहीं कटती है वही अच्छा विद्वान माना जाता है, वही बोले ना सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए ना कटे नहीं। अब आप आपने कुछ भी लिख दिया थोड़ी देर में ही कट जा रहा है, एक आदमी आके काट दे रहा है आपकी बात, तो ये ठीक नहीं। हमने तो जो हमने कहा कल आपने कहा है कि अगर किसी को इस बारे में डिस्कशन करना हो तो लिखित करना पड़ेगा, हम प्रमाण के साथ बता देंगे कि हमारे गुरु जी ने कभी पार्टी लाइन पर चल करके कोई कार्य नहीं किया, सनातन धर्म की दृष्टि से जो कार्य किया सो किया, और हम उसके लिए फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने। ऐसे जो बात बोले दृढ़ता से बोले, अगर उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को गरियाते रहते थे तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि उन्होंने कब दी कौन सी गाली दी, क्या बता सकते हैं वो? हमारे गुरु जी ने तो किसी को गाली नहीं दी, तो नरेंद्र मोदी को देना तो दूर की बात। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेसी थे तो कांग्रेसी होने के लिए कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने कब ली थी, उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर कब अपने आप को चलाया, ये तो सिद्ध करना चाहिए था ना, तो उन्होंने कुछ सिद्ध नहीं किया। इसी से पता चल गया कि उन्होंने विचार करके नहीं कहा था, सहज में निकल गया उनके मुंह से, और बाद में उन्होंने समझा कि हमसे सही नहीं निकला, लीपापोती कर ली, अपने लोगों ने भी छोड़ दिया कि भाई बुजुर्ग व्यक्ति हैं काहे को इनके इनको सताएं, अन्यथा हम लोग खड़े हो जाते तब क्या होता, आज खड़े हो जाए तो क्या होगा। लेकिन क्या अच्छा लगेगा कि एक बुजुर्ग महात्मा को हम लोग खड़े हो जाएं, उनको आखिर उनको तो इस पे नीचा देखना ही पड़ेगा, वो भी जानते हैं इस बात को कि जो उन्होंने कह दिया उसको सिद्ध नहीं कर सकेंगे, तो हम इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनकी उम्र का सम्मान करते हुए हम लोग इस बात को ज्यादा नहीं उठा रहे हैं। सम्मान सबका अपना अपना होता है, वो बना रहना चाहिए, हम किसी का सम्मान गिराने की चेष्टा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो खड़े होंगे तो फिर तो सिद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, लोगों ने उस पर विरोध किया, तुरंत वो पलट गए, फिर उन्होंने जयकारा भी लगा दिया, फिर उन्होंने कह दिया मेरे बड़े भाई थे ये थे, बस बात खत्म हो गई। शंकराचार्य जी, सनातन पर तो हमला हो रहा था, उस पर क्या कहना चाहिए, होड़ सी लगी हुई है। देखिए हमला किस पे होता है, हमला उस पे होता है जो लोगों को चुभता है और जो मजबूत होता है, तो सनातन जो है मजबूत है, इसीलिए इसका सामना कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, इसीलिए तरह तरह के षड्यंत्र आज से नहीं सदा से होते रहते हैं। हिंदू ही कर रहे हैं तो नहीं, हिंदू कैसे करेगा, वो तो ऐसा है कि अब हिंदू भी तो कई तरह के हो गए, एक राजनीतिक हिंदू हैं, है ना, राजनीति बनाने में काम बनाने के लिए, देखिए नहीं एक नेता ने अपने पिता को ही सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया था, यही राजनीति तो है, अपने बहुत दूर थोड़े बात गई है। तो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो राजनीति को महत्व देते हैं, उनकी उनके आचरण उनके ढंग के होते हैं, उस पर अपने लोग ज्यादा नहीं कह सकते। तो जो ये सनातन के ऊपर बात कही गई है, ये राजनीति की दृष्टि से कही गई है, इनका विरोध नहीं करना चाहिए, इनका विरोध नहीं करना, विरोध करने से तो बढ़ेंगे। उन्होंने वक्तव्य क्यों दिया है, ये जो राम भद्राचार्य जी ने वक्तव्य दिया ना, ये यूं ही दे दिया लापरवाही में, लेकिन उन्होंने सोच समझ के दिया है, क्योंकि जितना विरोध करोगे उतना ही बढ़ेंगे। आप देखिए उदय निधि मारन को कोई नहीं जानता था, राम भद्राचार्य जी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, ये है वो है, पूरा देश जान गया, तो उनका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ऐसे लोगों की बात की उपेक्षा कर देनी चाहिए, विरोध करने से वो बढ़ जाते हैं, और बढ़ करके देखिए मायावती ने गांधी जी को शैतान की औलाद कह दिया था, और आप लोगों ने खूब फैलाया, चारों तरफ से विरोध हुआ, परिणाम ये हुआ कि वो मुख्यमंत्री बन गई उत्तर प्रदेश के, नहीं समझे आप? इसलिए ऐसी बातों की उपेक्षा करने से काम बनता है, विरोध करने से उनको उनकी बढ़ोतरी हो जाती है। वो क्या समझते हैं सनातन के बारे में, शब्द का अर्थ तो जानते नहीं, सना का मतलब होता है सदा, और तन का मतलब होता है रहने वाला, जो सदा रहने वाला है उसी का नाम सनातन है, जो सदा रहने ही वाला है पहले से तय है, उसको कैसे नष्ट करोगे तुम, उससे हम क्या बात करें? अरे बात लेवल पे की जाती है ना, तो ऐसे लोगों की उपेक्षा करने से ही ठीक रहता है। महानुशासन के बारे में आपने बताया, उसमें ये परंपरा कि शंकराचार्य जी का चयन कैसे होगा, ये भी होगा? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल क्यों नहीं। देखिए एक एवा विशेष्यादंते लक्षण सम्मत, जो लक्षण सम्मत होगा वही अभिषेच्य होगा, माने उसी का अभिषेक हो सकेगा। तो ये तो लक्षण सम्मत आचार्य के बारे में निगाह करना पड़ेगा, दृष्टि दौड़ानी पड़ेगी।
तो सबसे पहला दायित्व किसका होता है? जो रिमेनिंग शंकराचार्य माने जो पीठासीन शंकराचार्य है उसका यह दायित्व है कि वो आगे के शंकराचार्य के बारे में निश्चय कर दे, क्योंकि वो शंकराचार्य स्वयं है, वो समझता है कि एक शंकराचार्य के लिए शंकराचार्य की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और ये संभाल सकेगा कि नहीं संभाल सकेगा। तो जो पीठासीन शंकराचार्य होते हैं धर्म का प्रचार करते करने के साथ ही साथ अपने उत्तराधिकार के बारे में भी वो चिंता करते रहते हैं, और इसीलिए प्रायः अपने शिष्यों में से, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों में से चार को, वैसे अनेक शिष्य थे उनके, उनमें से चार को ढूंढ करके निकाला और उनका अभिषेक किया, उसी तरह से जो पीठासीन शंकराचार्य होते हैं वो अपने शिष्यों में से किसी को योग्य समझते हैं तो उसका नाम आगे बढ़ाते हैं। और उनकी वसीयत का मतलब, वसीयत के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए, वसीयत वैसी नहीं है कि जैसे कोई गृहस्थ अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दे, मालिकाना है, ऐसी वसीयत का यहाँ ऐसा तात्पर्य नहीं है। यहाँ वसीयत का मतलब है प्रस्ताव, तो उन्होंने इसीलिए दो प्रस्ताव कर दिए, दो लोगों के नाम उठा दिए। अब अगर ये दोनों लोग उनकी दृष्टि में तो योग्य ही है तो वो हो जाएंगे, अगर उनकी दृष्टि के अतिरिक्त जो तीन और शंकराचार्य हैं उनकी दृष्टि में अयोग्य होंगे तो वो लोग इस पर ऐतराज करेंगे। तीन शंकराचार्य बचते हैं एक पीठ के बारे में, तो तीनों का अगर ऐतराज होगा तो फिर सनातन धर्म के दूसरे लोग भी विचार करेंगे, और तीन में से अगर बहुमत विरोध कर रहा है, माने दो कह रहे हैं कि गलत है, तब भी विचार हो जाएगा। विचार कौन करेगा? विचार वही तीनों शंकराचार्य करेंगे, और कौन करेंगे? और कोई नहीं, और कौन करेगा बताओ? पहला अधिकार तो उनका है ना, पहला अधिकार पीठ पर जो आचार्य विराजमान है, जो गद्दी खाली करेगा उसका है पहला अधिकार। वो अगर नहीं करता है या अयोग्य को कर देता है तो फिर दूसरे तीन को अधिकार है। अब वो तीन भी अगर अपना दायित्व तो नहीं निभाते हैं तो फिर समाज के लोगों का अधिकार है, जो विद्वान है जो परंपरा से जुड़े हैं उन्हीं का तो अधिकार होगा। ईसाई मुसलमान आके तो शंकराचार्य बनाएगा नहीं, जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं। तो जो हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य परंपरा के अद्वैत फिलॉसफी के विद्वान हैं वो आकर के इसमें अपनी वो करेंगे, तो पीठ परिषद बनी हुई है, सब जगह पर पीठ के विद्वानों का संगठन है, तो वो सब विद्वान लोग के विचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो पीठाचार्य थे उन्होंने कहा कि ये दोनों योग्य हैं इसलिए इनका नाम मैं प्रस्तावित करता हूँ बस इच्छा पत्र के माध्यम से। उसके बाद तीन पीठ जो बचते थे उनमें से दो पीठ के लोगों ने समर्थन कर दिया तो निर्णय हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है तो वहां पर तीन जज, पांच जज बैठते हैं, सात जज बैठते हैं, नौ जज बैठते हैं, संविधान पीठ जब बैठती है तो उसमें से बहुमत जो होता है वही फैसला मान्य हो जाता है, विरुद्ध फैसले भी आते हैं लेकिन वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे नौ जज हैं और पांच ने अगर मान लिया और चार विरोध कर रहे हैं तो चार का नहीं सुना जाता है, तो बहुमत के अनुसार फैसला हो जाता है। वही हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि तीन शंकराचार्य हैं, तीन में से बहुमत जिधर हो जाएगा वो मान लिया जाता है। अच्छा, तो वो यहाँ पर हुआ। गुरुजी, अभी बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े आए हैं, उसके बाद लगातार हर राज्यों में मांग हो रही है जाति आधारित जनगणना की, आप क्या सोचते हैं जाति को लेकर? देखिए, बात यह है कि एक तरफ तो हमारे देश का संविधान कहता है कि भेदभाव हटाओ, हम शंकराचार्यों की उपेक्षा किस कारण से हो रही है? देखिए, शंकराचार्य तो धर्म के सम्राट है ना, लेकिन धर्म सम्राट का कोई प्रोटोकॉल आज नहीं मिल रहा है हमारे देश में। देखिए, ईसाइयों का एक आचार्य है, उसको उन्होंने 2 किलोमीटर के एक देश, एक जगह को देश घोषित कर दिया है, उसको वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है ताकि तकनीकी तौर पर जिस भी देश में जाए वहां का राष्ट्रपति उसका स्वागत करे, उन्होंने तो प्रोटोकॉल दिया है। हमारे देश में शंकराचार्यों को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि शंकराचार्य जो है वो वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं, वर्ण धर्म को मानते हैं, उसको समर्थन करते हैं, इसीलिए उनको समर्थन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? यहाँ समरसता का वातावरण हमको बनाना है। जब आपको समरसता का वातावरण बनाना है तो आप फिर जाति की गणना क्यों करा रहे हैं? आप अपने देश में कितनी संख्या है उसकी गणना कराओ वो तो ठीक है, लेकिन जातिगत जनगणना कराने का क्या लाभ है? जातिगत जनगणना कराने का मतलब है कि आप एक समाज में कई गुच्छे बना करके रख दे रहे हो, अब एक गुच्छा दूसरे से लड़ेगा, दूसरा तीसरे से लड़ेगा, तो ये हमारी दृष्टि से उचित नहीं है। हमारी दृष्टि से जाति आधार पर जनगणना करने की जरूरत नहीं, और अगर करना है तो हम तो उसके पक्षधर हैं, हम तो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका अधिकार और सम्मान होना चाहिए, उनके अनुसार का उसी के अनुसार आरक्षण कर देना चाहिए कार्य में भी, लेकिन हमारी तो नहीं मान रहे, और आप जनगणना करा रहे हो, जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से बंटवा रहे हो,
तो आप लोगों के बीच में खाई हो रहे हो। आरक्षण आपने दे दिया है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज सवर्ण और अवर्ण दो दो धड़े हो गए हैं पूरे देश में और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये आप भेदभाव का बीज बो रहे हैं जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं। महाराज जी, अभी रामभद्राचार्य महाराज जी यहाँ पर आए थे, क्योंकि सिवनी जिला स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जन्म स्थली रही है, तो पूरे विश्व पटल में सिवनी का नाम सिर्फ इसलिए है कि स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज आए थे। क्योंकि कार्यक्रम के आयोजक थे सिवनी के विधायक दिनेश राय मुंडू जी, उस पूरे कार्यक्रम में फ्लैग से लेकर बैनर से लेकर न्यूज से लेकर तमाम जगह पर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की फोटो से भी परहेज किया गया और नाम से भी परहेज किया गया। कार्यक्रम में रामभद्राचार्य महाराज जी ने ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के लिए क्या टिप्पणी की थी किसी ने छुपा नहीं। बाद में जब स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्यों को जब इस बात का आघात लगा तो उन्होंने इसका विरोध भी किया और ये कहा कि यदि अपने रामभद्राचार्य महाराज जी की टिप्पणी से सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन मतलब उनका यदि संतुष्ट है तो वो स्वीकार करना चाहिए और यदि नहीं है तो उनका इसका विरोध करना चाहिए। तो जब तक स्वामी उनका प्रोग्राम रहा तब तक दिनेश राय मुनमुन जी ने उस कार्यक्रम का ना तो खंडन किया ना ही उसके वक्तव्य का खंडन किया। जब स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया तो वहां पर वो आशीर्वाद लेने की कोशिश और उसके बाद जब आपका आगमन हुआ तो आप उनके निवास स्थान पर पहुंचे, तो जो भक्त हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का मन में जिनका आस्था है सम्मान है तो उनका ये कहना पड़ा कि जिन्होंने हमारे गुरु को लेकर ऐसी सौभाड़ी बोला और जिन्होंने कार्यक्रम करवाया तो उन्होंने उसका खंडन नहीं किया तो उनके निवास पर पहुंचना कितना उचित। देखिए बात यह है कि आप एक कार्यक्रम में एक वक्तव्य को आधार मान करके आप अभी तक किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए सारे कार्यों को बुला देना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक वक्तव्य किसी व्यक्ति के साथ सारे संबंधों को समाप्त करने का कारण नहीं बन सकता और विशेष करके तब जब उसका स्वयं का वक्तव्य ना हो। अगर वो स्वयं कुछ कह देता तो बात अलग थी, कड़ाई से विरोध किया जाता। उसने एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाया था जिसके सामने वो भी नहीं कह सकता कि ऐसा मत बोलिए, कोई नहीं कह सकता। सम्मान के साथ किसी को बुलाया है, हम ही आए हैं तो जो हमको बुलाने वाला है भरद्वाज हमको कह सकता है कि ये बोलिए या मत बोलिए, नहीं कर सकेगा, मर्यादा है, एक शिष्टाचार है। तो ऐसी स्थिति में मुनमुन राय का इसमें क्या दोष निकलता है? मुनमुन और बैनर पोस्टर पर फोटो नहीं था तो जब रामभद्राचार्य जी का कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें महाराज जी की फोटो का कोई मतलब नहीं रहता। किसी का भी कार्यक्रम होगा तो उसमें हाँ ऐसा कोई हो जो पूरी तरह से बस काम जुड़ा ही हो, जैसे हम कोई कार्यक्रम करें तो हम तो अपने गुरु जी का फोटो रखेंगे, लेकिन मुनमुन राय तो विधायक है ना, मुनमुन राय तो क्षेत्र का प्रतिनिधि है, वो क्षेत्र प्रतिनिधि होने मात्र से वो किसी का भी कार्यक्रम करेगा उसमें गुरु जी का फोटो रखेगा, ऐसी अपेक्षा हम लोग नहीं करते। तो हमारा ये मानना है कि इसमें मुनमुन राय का सीधा कोई दोष नहीं, और राजनीतिक व्यक्ति है, पहले ही उसको बहुत डैमेज हो गया रामभद्राचार्य जी के कहने से, अब वो खंडन करे चाहे समर्थक करे, इधर कुआ उधर खाई तो वो कहां जाएगा बेचारा। अगर वो खंडन करता तो गड़बड़ी और मंडन करता तो गड़बड़ी, तो बेचारा चुप होकर के बैठा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है बार बार। और आपके एक अखबार ने, वो कौन सा अखबार है? संवाद कुंज। ये संवाद कुंज कहाँ है इसके प्रतिनिधि? ये संवाद कुंज अखबार है, इसमें अखबार में समाचार छपा है कि 5 लाख रुपया मुनमुन सेन ने हमको दिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस पत्रकार वार्ता में कि ये सूचना कहाँ से आपको प्राप्त हुई, 5 लाख रुपया वो कहाँ से ले गया और कहाँ दिया और किसने दिया और किसने देते हुए देखा? नहीं नहीं, हमें हम पूरी कहानी नहीं जानना चाहते। 5 लाख रुपया देते हुए आपके किस संवाद सूत्र ने देखा है वो हमको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात, आपने एक फिगर लिख करके लिख दिया और बाद में इन्वर्टेड कामा में तृप्ति शब्द लिखा है कि तृप्ति हो गई और इन्वर्टेड कामा में। व्यंग क्या है? व्यंग सीधा सीधा सा यही है कि आप कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने पैसा लेकर के चुप्पी साध ली, तो आप हमको इसको सिद्ध करके दिखाइए, नहीं तो आपका अखबार बंद होगा। ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप किसी के साथ। 5 लाख रुपया लेकर के 5 लाख का एक फिगर बता रहे हैं और तृप्ति शब्द लिख रहे हैं, तो आप हमको बताइए, स्पष्ट करिए कि 5 लाख रुपया किसने दिया, किसको दिया, कहां दिया, कब दिया और किस शक्ल में दिया। खड़े होके बताइए, खड़े हो जाइए, खड़े होके बताइए हमको, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर,
कल आपके कार्यक्रम में जब मैं उपस्थित था जी, आपने पूरी सभा सुनी, ठीक है, तो आज यहाँ के पूरे लोगों ने सवाल पूछा, ठीक है, कि ये जो सवाल पूछा कि भाई मुनमुन राय जी जो है, हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। 5 लाख रुपया किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया, कैसे दिया, वो 4 प्रश्न का जवाब बताओ और कुछ मत बताओ। ये बात पूरी चर्चा का विषय था, हमें आप बताइए किसने आपको ये खबर दी है, उसका नाम सार्वजनिक करो। 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां पर दिया, किसको दिया और कब दिया, ये 4 प्रश्न है, इनका जवाब देना पड़ेगा आपको। आप पत्रकार होकर के अखबार छाप करके ऐसे नहीं छाप सकते हैं किसी के खिलाफ। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? हम चिल्ला रहे हैं, अभी और चिल्लाएंगे, आपका अखबार चला देंगे, क्या बात करते हो आप? ऐसा छाप दोगे किसी के लिए? 5 लाख रुपया लेकर के हम लोग चुप होने वाले हैं? 5 लाख हमारी औकात दिखा रहे हो आप कि कोई आके हमको 5 लाख दे देगा, हम चुप हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे? बहुत गलती बात है, आपने बहुत अक्षम्य अपराध किया है, चिल्लाने की बात है और हम चिल्ला रहे हैं, आपने मर्यादाओं का हनन किया है, ये नहीं हो सकता है। आप गुस्सा करिए, हाँ करिए, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, इनसे जवाब चाहते हैं ये इस अखबार के, इनसे जवाब चाहते हैं, हमको भी प्रश्न पूछने का अधिकार है, अगर आप छापते हो पूछ जाइए, आप कोई पत्रकार बोलेगा तो हम उसको उसके साथ समझेंगे। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब कि सारे पत्रकार हमारे ऊपर 5 लाख का आरोप लगा रहे हैं, आप लोग लगा रहे हो, हम सबके खिलाफ नोटिस करेंगे। अभी अभी सबने कहा कि हम सब साथ हैं, ऐसा कैसे कोई कह सकता है? 5 लाख रुपया लेकर के आप तृप्त हो गए और हमने हमने अपना वक्तव्य बदल दिया, आप लोग इस तरह से मजाक बनाओगे किसी शंकराचार्य का? ये सीढ़ी है, भाई गलत है, आप सिद्ध करो, आपने छापा है, आपका दायित्व बनता है कि आप इसको सिद्ध करिए कि 5 लाख रुपया किसने दिया, किसको दिया, कहां दिया, कब दिया, आप ये 4 प्रश्न का जवाब दीजिए। 4 प्रश्नों का जवाब ये जो अखबार है संवाद कुंज, इसको देना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये चूंकि पत्रकार बिरादरी की बात है, भाई पत्रकार बिरादरी है तो आप सब साथ में हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जाइए, सब लोग जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत छापो, गलत छापोगे तो आपको भी हम सवाल के घेरे में खड़ा करेंगे। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, ये सब उठा लो, हमको कोई आपसे फेवर नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे लिए गलत लिख दो और आप उसमें सवाल भी ना उठाए, जवाब भी ना करे, ये नहीं हो सकता है। आप लोग से निवेदन करते हो, आप राजनीति में, अरे ठीक है, नाराज हो जाओगे ना, जो सच है वो सच है, आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें, और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए, आप जो है पत्रकार हैं, आपका हमने सम्मान किया, पहला शब्द हमारा था आपका स्वागत है, आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने इत्मीनान से उसका जवाब दिया, हमने बुरा नहीं माना, लेकिन और बिना जाने हमको पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं, तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए, बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली, क्या बात करते हो आप? केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें, आपने छापा कैसे? इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है, ऐसी कैसी बिरादरी होती है, और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर, करो जितना विरोध करना हो हमारा, पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे, 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप, और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो, कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया, बताओ ना, ये बहुत गलत बात है भैया। पत्रकार बंधु, आपका आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप सच छापे, आप आईना हो, आप पक्ष नहीं हो, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते, आप आईने की तरह जो है उसी को दिखाओ, तब तो आप पत्रकार हो, और अगर आप पक्ष विपक्ष लेते हो तो आप पत्रकार नहीं हो, आप कुछ और हो। इसलिए पत्रकार होने का पहले संकल्प करना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूं, मैं आईने की तरह रहूंगा, जो सच होगा वो दिखा दूंगा, उसका उसमें भी विचार करूंगा कि समाज में कोई विक्षोभ ना उत्पन्न हो जाए, उतना विचार करते हुए मैं सच को दिखाऊंगा,
ये आपका कर्तव्य है, तो आपको अपने कर्तव्य पर रहना होगा, तभी आपकी आपका सम्मान कोई भी कर सकेगा, हम भी कर सकेंगे। और अगर इस तरह की लाइन कोई छापेगा और अगर हम उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं बहिष्कार करता हूं, और कोई अगर खड़ा होकर के कहेगा कि मैं पत्रकार बिरादरी का हूं, तो भैया आपकी बिरादरी अगर एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, एक अगर ऐसा व्यक्ति आपके बिरादरी में है तो पूरी बिरादरी आप लोगों को सुनना पड़ गया। देखिए क्यों सुनना पड़ गया, बिकॉज ऑफ ही उनके कारण। तो इसलिए ऐसे लोगों को आप बिरादरी में मत शामिल करिए, आपकी बिरादरी की प्रतिष्ठा तभी बची रहेगी। और जवाब सवाल तो सबसे होता है, आप हमसे करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम भी आपसे करेंगे। आप इससे बाहर नहीं हो, पत्रकार होने के नाते आपको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है ऐसा कि आप किसी के बारे में गलत खबर छाप दें। और इनको तो हम नोटिस देंगे ही, ये तो अखबार बंद होगा ही, ऐसा नहीं है। और बड़े बड़े, ये जो बड़े बड़े संस्थान बैठे हैं ना, इनके खिलाफ भी अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, और इनके ऊपर भी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। कोई ये ना समझे कि हम हमारा कुछ कोई नहीं कर सकता है। आप ऐसी खबर छापेंगे, कुछ पढ़िए तो आप लोग, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लिखा है कि 5 लाख रुपया मनमोहन सेन ने दे दिया तो ये तृप्त हो गए, और तृप्त शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये ऐसे स्वीकार किया जा सकता है? तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और नोटिस देंगे और इनका अखबार बंद होगा, इसमें कोई वो नहीं है भाई। ठीक है, तो गुस्सा हमारा जायज है, गुस्सा किसके है जो सच्चा है, उसका उसे उसके लिए है जो झूठा है, और जो झूठे के साथ बिरादरी के नाम पे खड़ा है, उन दोनों के लिए हमारा गुस्सा है, और आपके किसी पे लगा ही नहीं गुस्सा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप उस तरह के नहीं है भाई। संदेश तो सब है, संदेश आप जो पूछोगे हम सब बताएंगे। ये प्रकरण खत्म हो गया, अगला कोई प्रश्न पूछो भैया, अगला कोई प्रश्न पूछना हो पूछो। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र की धारणा को लेके बातें? हाँ भैया बिल्कुल सही। देखिए ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र ये शब्द पिछले अनेक दिनों से अपने देश में गूंज रहा है, इधर से आवाज आती है, इधर से आवाज आती है, इधर से आवाज आती है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सुनने में हम लोगों को भी अच्छा लगता है, अरे अपना राज किसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन केवल शब्द से तो नहीं हो जाएगा, हमने ये कहा, बार बार कहा, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन सबको हिंदू राष्ट्र का कोई प्रारूप सामने लेकर के आना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र जब होगा तो ऐसा होगा। अभी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हिंदू राष्ट्र हुए बिना नहीं हो सकता, और हिंदू राष्ट्र अगर हो जाए तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस तरीके से कोई प्रारूप तो लेकर के आए, अब कोई प्रारूप लेकर के आज तक नहीं आया, साल 2 साल हो गए इस बात को। और जब पूछते हैं कोई पत्रकार कि क्या बदलाव आएगा, कहते हैं नहीं नहीं किसी को जाने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कर दिया गया है, जितना मल जल राष्ट्र नदी घोषित होने के पहले गंगा जी में गिरता था आज उससे ज्यादा ही गिर रहा है। एक